मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर में 161 रोज से मुसलसल कर्फ्यू और लॉकडाउन से कश्मीरियों की जिंदगी जहन्नुम बना दी। तिजारती मराकज बंद, इंटरनेट और मोबाइल सर्विस भी मुअत्तल है। खाने पीने की अशिया की किल्लत, अदवियात तक मौजूद नहीं। काबिज फौज ने सर्च ऑपरेशन की आड़ में दर्जनों कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया। मकबूजा कश्मीर में 6 माह से जारी बदतरीन कर्फ्यू ने मकबूजा वादी को छावनी बना रखा है। वादी में 161 रोज से तिजारती मराकज बंद हैं, इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस भी ताहाल मुअत्तल है। वादी में खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत है, जबकि बीमारी की सूरत में अदवियात तक मुयस्सर नहीं है। दूसरी जानिब शदीद मौसमी हालात और बर्फबारी से कश्मीरियों की मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। 80 लाख कश्मीरी भारतीय जबर से निजात के लिए दुनिया की तरफ देख रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में बुनियादी इंसानी हुकूक की पामाली उरूज पर है और काबिज फोर्सेज घर घर छापे मारकर बेगुनाह कश्मीरियों को गिरफ्तार कर रही है। 5 अगस्त से जारी कर्फ्यू और पाबंदियों के दौरान भारतीय फौज खवातीन समेत दर्जनों कश्मीरियों को शहीद कर चुकी है। काबिज जालिम फौज के साथ झड़पों में मुतअद्दिद कश्मीरी जख्मी हुए, सैकड़ों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। मकबूजा वादी में तमाम तर पाबंदियों के बावजूद आजादी के मतवाले भारतीय मजालिम के खिलाफ काबिज जालिम फौज के साथ झड़पों में मुतअद्दिद कश्मीरी जख्मी हुए, सैकड़ों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मकबूजा वादी में तमाम तर पाबंदियों के बावजूद आजादी के मतवाले भारतीय मजालिम के खिलाफ भरपूर एहतजाज कर रहे हैं। शहर शहर होने वाले मुजाहिरों में हुर्रियत रहनुमाओं, कारकुनों और जेरे हिरासत कश्मीरियों की फौरी रिहाई का मुतालबा किया जा रहा है। आजादी के हक में नारे पूरे कश्मीर में गूंज रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि निहत्ते कश्मीरियों पर इंसानियत सोज मजालिम और हुर्रियत रहनुमाओं को नजरबंद रखकर कश्मीरियों को जिद्दोजहद आजादी जारी रखने से नहीं रोका जा सकता।